राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है एक अत्यंत कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर, जिसे शस्त्रबाहु मंदिर या सासबहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका असली नाम शस्त्रबाहु मंदिर है, जो दुर्भाग्यवश समय के साथ बदलकर सासबहु हो गया है। 11वीं सदी के शुरुआत में बना ये मंदिर विकसित शैली और बेहतरीन अलंकरण के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़ और आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड। दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर के नाथद्वारा मार्ग पर एकलिंगी मंदिर से 3 किलोमीटर पहले ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कचावा वंश के शासक महिपाल ने करवाया था, क्योंकि महिपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस भव्य मंदिर का परिसर 32 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है और बेहद ही कलात्मक और स्थापत्य कला से परिपूर्ण है। इस खूबसूरत और भव्य मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए पूर्व में मकर तोरण द्वार है और मंदिर पंचतायन शैली में बनाया गया है। मुख्य मंदिर के चारों ओर देवताओं का कुल बसता है। मंदिर में पंचरथ, गर्भगृह, खूबसूरत रंग मंडप इत्यादि बने हुए हैं। शस्त्रबाहु का अर्थ होता है हजारों हाथों वाला, जो कि मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। हजारों हाथों वाले देवता तो भगवान विष्णु ही है। मंदिर परिसर में दूसरा प्रमुख मंदिर शिव का है। इन मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, बलराम सभी विराजते हैं। प्रवेश द्वार पर माँ सरस्वती की खूबसूरत मूर्ति है। ये राजस्थान के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर की दीवारों पर और अंदर और बाहर खुजराहों के मंदिरों की तरह असंख्य मूर्तियां बनी हैं, जो काम शास्त्रों से भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, दुनिया भर के स्थापत्य कला प्रेमी इस मंदिर को घंटों निहारते हैं। आप भी एक बार इस मंदिर का दर्शन अवश्य करिएगा।